मेरा नाम है मोहम्मद नाजिम, भारतीय किसान यूनियन भानु से मंडल महामंत्री। ये जाहिद भाई हैं हमारे, घेर कलंदा खा के रहने वाले हैं। घेर मुबारक खां शाह। इन्होंने अपनी बच्ची को 8/22 को एडमिट किया था हॉस्पिटल में। इनकी बच्ची को लेकर डॉक्टरों की लापरवाही इतनी रही कि वहाँ पर ना तो ऑक्सीजन मिल पाई बच्ची को, ना ही उसको लूज मोशन और जो उल्टी वगैरह थी अवैध दवाई ना वहाँ पर मिल पाई। दूसरी चीज़, अगर शिकायत कर रहे डॉक्टरों से, डॉक्टरों के पास ही पहुँचे तो उन डॉक्टरों ने कहा कि हमारे पास बच्ची को लेकर आओ। इसकी इतनी कंडीशन ख़राब थी कि वो खुद वहाँ से बेड से हिलने लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी गोद में लेकर आए और उसको उन्होंने डोज लगवाई वहाँ पर। उसके बाद इतनी हाई पावर की उन्होंने डोज दे दी कि उन्होंने अपने जो असिस्टेंट थे उनसे लगवाई, जो सीनियर डॉक्टर थे उन्होंने कोई मशवरा ना दिया, ना इन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया। असिस्टेंट से लगवा के उसको इतनी मतलब हार बिगड़ गई उसकी कि वो जो है बच्ची वहीं पर दम तोड़ गई अपना। क्या नाम था बच्ची का? बच्ची का नाम जोया खान था उसका। तो कौन डॉक्टर थे? डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहे थे 2 बजे जा चुके थे। 2 बजे के बाद इमरजेंसी डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है, और बाकी हमारे जो वहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं उन्होंने भी मतलब ये है कि डॉक्टरों को इन्होंने शिकायत करी होगी, पहुँची होगी, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया डॉक्टरों के लिए। जैसे कि हमारे डॉक्टर मित्रा साहब हैं, वो CMS हैं वहाँ के, तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि अगर बच्ची की अगर कोई वीडियो वायरल हुई या इनकी वीडियो वायरल हुई या उसे पता लगा डॉक्टर हमारे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। बस मैं ये चाहता हूँ जो मेरी बच्ची के साथ वो और किसी बच्ची के साथ ना हो, और उसको सही ट्रीटमेंट अस्पताल में मिले, जो दवाइयाँ सरकारें भेजती है वो सही, जो आम नागरिक हैं जो वहाँ पर जिस उम्मीद से जाते हैं उनको उस दवाइयाँ मुकम्मल लग सकें। वहाँ पर डॉक्टर ने यही बताया कि जो इंजेक्शन हम इसको बच्ची को तोड़ के लिए लगाना है, जो इसके दिमाग पर बुखार चढ़ गया है और बोतल गलत चढ़ने की वजह से, उसको कंट्रोल करने के हमारे पास वो उपलब्ध नहीं है। तो उनसे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, वो उपलब्ध सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं है? और मैं ये कहना चाहूँगा जो हॉस्पिटल का जो सिस्टम है वो इतना बेकार हो रहा है, इतना बेकार कर रहे दिया है, हर जगह पैसे की मारामारी चल रही है। कोई अगर एक्सरे कराने जाता है तो उसको लाइन में उतर देते हैं, कोई मेडिकल कराने जाता है तो उसको पहले लिया जाता है अंदर, और उसकी वहाँ पर मतलब एक तरीके से डीलिंग करी जाती है वहाँ मेडिकल में, क्या मतलब कितने पैसे मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे, फिर उसका मेडिकल क्रॉस हो जाएगा, उसे क्रॉस कैश करने के लिए उसे डीलिंग होती है, अंदर जाने के बाद पैसे दिए जाते हैं और पैसे देने के बाद मेडिकल क्रॉस के लिए उनकी मतलब कार्रवाई शुरू कर दी जाती है ताकि मुकदमे दोनों पे एक दो। लेकिन हमारे मेडिकल चीफ ऑफिसर बहुत बढ़िया है, SP सिंह बहुत अच्छे CMO साहब हमारे, अगर उन तक शिकायत अगर इनकी भाई की पहुँच जाती तो मुझे उम्मीद है ज़रूर अब तक कुछ ना कुछ कार्रवाई हो चुकी।